बिन ब्याही माँ भाग तीन। आकृति के घर जाने के बाद मैं और किशन भी घर आ गए। आज रात न जाने क्यों वो नन्ही सी परी मेरी आंखों के सामने बार बार आ रही थी। शायद जो बेटी मुझसे मिलने से पहले विदा हो गई उस परी को देखकर मैं सोच रहा था कि वह भी ऐसे ही रहती ना प्यारी सी। एक और बात थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी। आकृति ने जो एड्रेस मुझे भेजा था वह एड्रेस नहीं था जहाँ मैं 10 साल पहले गया था। फिर मैंने यह सोचा कि शायद वह लोग नए घर में शिफ्ट हो गए होंगे। यह सारी बातें सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई मुझे भी पता नहीं चला। आज सुबह उठकर जल्दी ऑफिस चला गया था। ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। जैसा कि आकृति ने बताया था कि उसे आज कोर्ट जाना है और उसके बाद उसे अंबर के एडमिशन के लिए स्कूल जाना है। मैंने सोचा कॉल करके कहूँ कि मैं भी आ जाता हूँ, शायद उसे थोड़ी हेल्प हो जाए। पर सोचा कि अगर उसने कोई डिसीजन लिया है तो उसे अकेले ही फेस करना होगा और मैं सिर्फ आज ही तो उसका साथ दे पाऊँगा। मैं उसका जीवन भर साथ थोड़ी ही दे सकता हूँ। उसे उस बच्ची को सिंगल मदर बन के अगर पालना तो उसे जरा सारी चीज़ें अकेले ही सीखनी पड़ेगी और वह कर भी लेगी। मुझे पता है आज मैं सारे काम जल्दी जल्दी कर रहा था क्योंकि मुझे शाम को 5 बजे निकलना था, पर आज नहीं पता कि वह घड़ी में 5 बज ही नहीं रहे थे। अचानक 4:30 बजे आकृति का मैसेज आया, तुम आ रहे हो ना, बस थोड़ी देर में निकलूँगा। ओके, मैंने यह बताने के लिए मैसेज किया था कि हम घर आ गए हैं, तुम जैसे ही फ्री हो आ जाना। हाँ 5:30 तक मिलता हूँ। ओके ठीक। 5:30 बजे मैं उसके घर के सामने था। उसके घर के सामने लगे नेम प्लेट में बड़े बड़े अक्षरों में अंबर और आकृति लिखा हुआ था। मैं मेन गेट के पास पहुंचा, वहां देखा गार्डन में अंबर किसी 4-5 साल की लड़की के साथ खेल रही थी। उसने मुझे देखा और एक प्यारी सी मुस्कान दी और ज़ोर से चिल्लाई, मम्मा आपके फ्रेंड आ गए हैं। अंदर से आकृति की आवाज़ आई, हाँ बेबी मैं आ रही हूँ। मैं 5 मिनट के लिए बाहर ही रुक गया, अंबर के साथ थोड़ी बहुत बात की। उसने तोतली आवाज़ में अपनी सारी बात बताई कि कल से उसे स्कूल जाना है और स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना होगा, एक ही ड्रेस रोज पहनना होगा। स्कूल जाना तो समस्या नहीं थी उसके लिए, एक ड्रेस रोज पहनना सच में शायद बोरिंग था। मैंने उसके लिए लाया हुआ उसे चॉकलेट का पैकेट दिया तो उसने अपनी तोतली सी आवाज़ में प्यारा सा थैंक यू बोलकर मेरे गाल पर किस कर दिया और साथ ही यह पूछ भी लिया कि क्या मैं यह चॉकलेट मम्मा और मेरे फ्रेंड के साथ शेयर कर सकती हूँ। मैंने उसे मुस्कुराकर कहा, नहीं इसे आप अकेले खाना। उसने कहा, नहीं मम्मा ने सिखाया है अपनी चॉकलेट शेयर करनी चाहिए। आपकी मम्मा ने सिखाया? आकृति बाहर आ चुकी थी। मैंने उसे हाय किया, उसने कहा अंदर आ जाओ। अंबर अपनी फ्रेंड के साथ खेलने में मस्त थी, हम अंदर जाकर ड्राइंग रूम में बैठे थे। मैंने आकृति से पूछा कि सारी फॉर्मेलिटी हो गई? उसने बताया कि हाँ यार दिन भर लग गया पर सारी चीज़ें हो गई, अब कल से अंबर स्कूल जाएगी। वह तो बहुत एक्साइटेड है पर मैं थोड़ी नर्वस हूँ, उसका पहला दिन है ना। हाँ मुझे याद है तुम अपने कॉलेज के पहले दिन में भी ऐसे ही नर्वस थी। उसने मुश्किल से मुस्कुरा कर हाँ कहा। सुनो तुम बैठो, मैं कॉफ़ी बनाकर आती हूँ। उस घर में अंबर और आकृति थे। बस मेरे जहन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे क्योंकि आकृति की फैमिली अच्छी खासी बड़ी थी। उसके दादा दादी चाचा चाची पापा मम्मी साथ रहते थे क्योंकि जब 10 साल पहले मैं उसके घर गया था तब मैं उसकी पूरी फैमिली से मिला था। पर इस घर में अकेले उन दोनों को देखा तो अपने आप सवाल मन में उठने लगे, पर उससे पूछना मुनासिब नहीं समझा मैंने। आकृति कॉफ़ी बना रही थी और मैं उसके ड्राइंग रूम को देख रहा था, तभी अचानक बाहर किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं बाहर निकला तो देखा कोई औरत अंबर की फ्रेंड को खींच कर ले जा रही थी और अंबर और उसकी दोस्त दोनों रो रहे थे। न वह बच्ची जाना चाह रही थी और न अंबर उसे जाने देना चाह रही थी। अंबर की आवाज़ सुनकर आकृति भी किचन से दौड़ते हुए बाहर आई। उसने दौड़कर अंबर को गोद में उठा लिया
और उस औरत से कहने लगी, खेलने दीजिए ना, बच्चे रो रहे हैं, अच्छा लगता है आपको ऐसे? उसने गुस्से से आकृति की ओर देखा और कहा, हाँ मुझे भी अच्छा नहीं लगता मेरी बच्ची को रोज रुलाना, पर तुम अपनी बच्ची को खेलने क्यों देती हो किसी और बच्चे के साथ? मैंने तुमसे कहा है ना कि अगर मेरी बच्ची तुम्हारे घर आए तो तुम भगा दिया करो। आकृति ने कहा, मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं और ना ही अंबर के। उस औरत ने हंसते हुए कहा, देखो तो कौन संस्कार की बात कर रहा है जिसके ना किसी कोई परिवार का पता है और ना ही आदमी का। बेवकूफ़ समझती हो हमें? 3 साल से हमें बता रही हो कि यह बच्चा तुम्हें भगवान ने दिया है। हाँ भगवान ने ही दिया है मुझे अंबर को। और आपको बता दूँ, अंबर को किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ उसके लिए। जैसे मम्मी और पापा हूँ वैसे ही उसकी दोस्त भी बन सकती हूँ। अंबर यह लड़ाई देखकर शायद सहम सी गई, वो माँ से जाकर चिपक गई। उस औरत ने एक नज़र मेरी तरफ भी देखा। मैं एक बार सोचा कि मैं जाकर कुछ कहूँ, पर मुझे सही नहीं लगा क्योंकि यह आकृति की लड़ाई थी और उसे अकेले ही लड़ना था। उस औरत ने अपनी बच्ची को खींचा और उसे ले जाते हुए न जाने क्या क्या बड़बड़ा रही थी। आमी को भी थेके बोले छी, नए खोराब में रखा छे, खेलते आस भी न बुझते पारिश, न कि तुई माँ बापर खोबोड़ नहीं, अम्मा के संस्कार सिखावे कि बोली रोज के एक टाना छाया छेले। आशे में समझ नहीं पाया कि यह क्या बोल रही थी, पर हाँ कुछ बुरा जरूर बोल रही थी। आकृति के बारे में और अंबर के बारे में आकृति ने कहा, अरे जो कहना है हिंदी में कहो ना, क्या बड़बड़ाए जा रही हो? अगर सही हो तो मेरे लैंग्वेज में बोलकर बताओ। उस औरत ने चिल्लाकर कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। नहीं पता क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था यह सब देखकर। आकृति की आंखों में आंसू भर गए थे पर उसके होठ मुस्कुरा रहे थे। उसने अंबर को गोद में उठाया। अंबर रो तो नहीं रही थी पर एक कदम शांत थी, शायद डर गई थी। हम तीनों अंदर आ गए थे। उसने मुझे बैठने को कहा। मैंने पूछा, सब ठीक है ना? उसने कहा, हाँ यह तो रोज का है, उसे लगता है कि मुझे बंगाली समझ नहीं आती। मतलब तुम समझ रही थी वह क्या बोल रही थी? हाँ बहुत अच्छी तरह से। उसने अपनी बेटी से कहा कि मैंने तुझे कब से कहा है ना कि इस गंदी बच्ची के साथ खेलने मत आना, इस लड़की के माँ बाप की खुद की कोई खबर नहीं है और मुझे संस्कार सिखाने आई है। हर रोज कोई नया लड़का इसके घर पर आता है, शायद नहीं आना चाहिए था मुझे, मेरे कारण इतनी प्रॉब्लम हो गई तुम्हें। ऐसा नहीं है अभ्युत, मेरा घर है, मुझे जिसे बुलाना होगा मैं बुलाऊंगी। मेरे घर जिसे आना होगा वह आएगा। यह कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? मुझे मेरे माँ पापा ने इतने संस्कार दिए हैं कि मुझे पता है क्या गलत है और क्या सही। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी से नहीं डरती। हाँ पर दुनिया ऐसी ही है ना आकृति। अंबर हमारी बातें शांत होकर सुन रही थी। फिर अचानक उसने पूछा, मम्मा वह आंटी दीदी को क्यों डांट रही थी? मेरे साथ खेलने के लिए क्या? आकृति ने कहा, नहीं बेबी, वह इसलिए डांट रही थी क्योंकि दीदी ने होमवर्क ही नहीं किया है। आपको पता है ना दीदी स्कूल जाती है, अगर वह होमवर्क करके आती तो उनकी मम्मा उन्हें नहीं डांटती। अंबर ने प्यारा सा मुंह बनाकर कहा, आप भी मुझे डांटोगी अगर मैं होमवर्क नहीं करूँगी तो? क्योंकि कल से तो मुझे भी स्कूल जाना होगा ना। आकृति ने उसे चूमते हुए कहा, हाँ बेबी थोड़ा सा तो डांटूंगी। अंबर ने कहा, ठीक है थोड़ा सा डांट लेना। उसकी यह बातें सुनकर हम तीनों मुस्कुरा दिए। अंबर अपने टॉयज के साथ खेलने चली गई और मैं और आकृति कॉफ़ी पीने लगे। हम दोनों थोड़ी देर के लिए शांत थे। फिर आकृति ने कहा, अभ्युत तुम्हें पता है 3 साल पहले मैं नवरात्रि के अष्टमी के दिन ऑफिस से लौट रही थी। तुम्हें तो पता ही है कि मैं 2 दिन उपवास रखती हूँ और अष्टमी के दिन मुझे हवन करना था। अचानक शाम को बहुत बारिश हो रही थी। उस दिन अचानक मेरी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई क्योंकि बारिश थी और वह जगह थोड़ी सुनसान थी। वहाँ दूर दूर तक कोई मैकेनिक भी नहीं था। मैं हैरान परेशान सोच रही थी किससे मदद मांगू, पर कोई गाड़ी आए तब। इसी परेशानी में मैं कुछ दूर आकर खड़ी हो गई ये देखने के लिए कि शायद कोई गाड़ी आती हो। पर वहीं पर मैंने देखा कि एक वैन आ रही थी
मैंने उन्हें हाथ दिया हेल्प के लिए, पर वह लोग तेजी से निकल गए। मैंने देखा थोड़ी दूर जाकर वैन रुकी। एक औरत उस वैन से निकली। अंधेरा था तो मुझे कुछ साफ दिखा नहीं, और उस औरत ने एक पोटली डस्टबिन में रखी और वापस जाकर उस वैन में बैठी, और वह वैन फिर तेजी से निकल गई। और मैं स्टूपिड पोटली को देखने के चक्कर में वैन का नंबर भी नहीं नोट कर पाई। मुझे लगा कि शायद कचरा ही होगा, पर अजीब लग रहा था इतनी ज़्यादा तेज बारिश में वैन आना और पोटली को डस्टबिन में डालना, कुछ अजीब ही था। दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या होगा उस पोटली में? आगे का भाग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे आपके लिए।